नमस्कार दोस्तों, सिंह ऑनलाइन सर्विस में मैं सुधीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को नवोदय विद्यालय में क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से भरे जाना है, कहां से भरे जाएंगे, इसका पूरा विवरण आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। गूगल पे नवोदय विद्यालय टाइप करते हैं, नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन वाले पे एक नंबर पे क्लिक हियर टू सबमिट वाले पे क्लिक कर देते हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों, ऊपर कर्सर चल रहा है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करना है। ऊपर वाले में जो आपका स्टेट लगता हो, सेकंड नंबर पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसमें दोस्तों सही सही नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। इसकी आखिरी डेट 15 दिसंबर 2020 तक है। सर्वर स्लो है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा कोड डाल देते हैं, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना। इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, फोटो, माता पिता का सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर और पिछले 3 कक्षाओं की मार्कशीट लेते आएँ, जहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th के लिए होना है, 2020-21 के लिए, 21-22 के लिए होना, इसकी दोबारा वैकेंसी आई है दोस्तों। इसके पहले आ चुकी थी, कुछ सीटें खाली रह गई थी। इसी में दोस्तों जो पहले फॉर्म भरे गए थे उनका रिजल्ट भी आ चुका है। 4 नंबर से जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है क्लास 6 के लिए एडमिशन के लिए, क्लास 6 के एडमिशन के लिए इसका नोटिफिकेशन मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ किस प्रकार से फॉर्म भरना है। ये इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, ये देखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति क्लास 9th के लिए 2021 का पहले आवेदन हो चुका रहा है। पेपर न होने के कारण दोस्तों इसकी वैकेंसी दोबारा चालू की गई है, जिससे कि जो लोग फॉर्म नहीं डाल पाए थे वो अपना फॉर्म फिलअप कर सके। ये देखिए दोस्तों कहाँ कितनी सीटें खाली हैं क्लास 9th के लिए, उसका पूरा विवरण इसमें दिया हुआ है, कौन से कैटेगरी को कितनी छूटें मिलनी हैं।
ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों जो दूसरा नोटिफिकेशन आने वाला है उसको ध्यान। अब दोस्तों जो दूसरी वैकेंसी आ रही है वो डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सतना से संबंधित है, जिसमें एटीकेटी के फीस का भुगतान और रिजल्ट का विवरण दर्शाया गया कि एटीकेटी की फीस आपको कैसे पे करनी है और रिजल्ट कहाँ से देखना। अब वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे कि आप अपना रिजल्ट आसानी से देख सकें और एटीकेटी का भुगतान की फीस की डेट और फीस कितनी है इसका विवरण हम बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो शुरू हो रहा है। गूगल पे PGC सतना टाइप करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑटोनॉमस PG कॉलेज सतना वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट सपोर्ट का विंडो ओपन हो जाता है। ये देखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर है शुल्क जमा हेतु टू डिपॉजिट फीस, उसके नीचे है परीक्षा शुल्क रसीद, अन्य शुल्क रसीद, उसके बाद है अन्य जानकारी। ये देखिएगा दोस्तों, ये पेपर की जानकारी है। एटीकेटी में भूतपूर्व नियमित दोनों के लिए है। स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष और सेमेस्टर वालों के लिए सभी के लिए चालू हो गया। कहाँ से फीस पे करनी है ये देखिए दोस्तों, शुल्क भुगतान वाले में, उसके बाद परीक्षा शुल्क सेमेस्टर वालों के लिए है। यहाँ पर रोल नंबर डाल के आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आखिरी डेट है 14 नवंबर 2020। 14 नवंबर के बाद ₹300 लेट फीस 17 नवंबर 2020 तक लगेगी, इसलिए आपको लास्ट डेट के पहले आपको फीस पे करनी होगी। सेकंड नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों, वार्षिक परीक्षा शुल्क जिनका ईयर वाला चल रहा, इसमें भी रोल नंबर सेम टू सेम कंडीशन उसी प्रकार है। अगला जो उसमें देखिएगा दोस्तों, प्रवेश शुल्क रसीद। प्रवेश शुल्क एडमिशन के लिए अभी चालू नहीं हुआ है, जैसे ही शुरू होगा इसी पोर्टल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगला दो जो है दोस्तों, रिजल्ट। इसमें जितने भी रिजल्ट आ चुके हैं उनका विवरण इसमें दिखाया गया है। BCom, BA, MSc, MCom, MSc बायोटेक, MA, MSW, MA थर्ड सेम, जिनका भी रिजल्ट आ चुका है उनका विवरण इसमें दर्शाया गया है। कहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो ऊपर लिखा परीक्षा परिणाम, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रोल नंबर जो भी सेमेस्टर हो वो डाल के आप अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। ये जो अगली जो है 22/10, उसका भी विवरण दिया हुआ है। इसमें दोस्तों MP टास्क वालों के लिए है। 22/10/2020 को जो नोटिस आई रही, इसमें आवास के लिए सेकंड आवेदन करना होगा, ST स्कॉलरशिप आवास के लिए। वीडियो को आप ध्यान से देखिए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। एटीकेटी की फीस 14 नवंबर 2020 के मध्य भरे जाएंगे। दोस्तों जो अगली वैकेंसी आ रही है उसमें आपको वैकेंसी नहीं केवल रिजल्ट के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। सभी वैकेंसियों के रिजल्ट एवं प्रवेश पत्र आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो में हम बता रहे हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी वैकेंसियों के रिजल्ट एवं प्रवेश पत्र इसी पोर्टल के माध्यम से देखिए। और प्रवेश पत्र कहाँ से डाउनलोड करें।
एडमिट कार्ड CBSE दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की CTET एग्जामिनेशन राजस्थान NCNM इलाहाबाद UPPSC राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड MP अगली जो वैकेंसी आने वाली दोस्तों वैकेंसी नहीं है एडमिशन है CRC चतुर्थ राउंड का एडमिशन चालू है दोस्तों। जिन छात्र छात्राओं का कॉलेज के लिस्ट में नाम आ गया है उनको अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भुगतान का फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। CRC फॉर्म एक फॉर्म निकलता है जिसको उस फॉर्म को भर कर आप कॉलेज में जमा कर अपना नाम लिस्ट चेक कर उसके उपरांत ही फॉर्म भर पाएंगे। ये आप कैसे प्रोसेस करेंगे ये देखिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, पहले तो ये हम आपको बता देते हैं इसकी डेट कब तक है। इसकी डेट 10 नवंबर 2020 तक, फीस जो जमा करने की डेट है 10 नवंबर 2020 तक। और इसका हम आपको एक फॉर्म दिखा देते हैं जो फॉर्म भर का है आपको कॉलेज में CRC राउंड के लिए फॉर्म, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा ये वाला फॉर्म। उच्च शिक्षा विभाग CRC चतुर्थ राउंड में रिपोर्टिंग हेतु प्रपत्र, ये फॉर्म के साथ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जमा करना है। और उसके बाद जब लिस्ट में नाम आ जाए तो ये पोर्टल से अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये यहाँ से जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों जो आने वाला है इसमें देखिए कॉलेज कोड भी इसमें देख सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की फीस जमा कर सकते हैं, डेट दोनों की सेम है। अब इसमें एडमिशन फीस जमा करने के लिए एडमिशन फॉर सबमिट UG CRC इसमें जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड डाल के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों ई प्रवेश स्टूडेंट प्रमोशन, जिन छात्र छात्राओं का प्रमोशन हुआ है वो यहाँ से जाके अपना चेक कर सकते हैं कि उनका प्रमोशन हो गया है कि नहीं हुआ। सेकंड के लिए एडमिशन के लिए द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष के लिए यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं इनरोलमेंट नंबर डाल के। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए किसी अच्छे वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी।